सो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, मेंसुरेशन के कुछ और सम्स लेकर मैं आने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो डायमेंशन हमें दिए हैं क्यूबॉइड के सेंटीमीटर में, जो कि 20 × 18 × 10, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पर जो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम पुटअप करेंगे। हमें लेंथ यहाँ पर गिवन 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या, हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर जो जो गिवन वैल्यूज़ है उसे प्रॉपरली पुटअप करेंगे। तो 20 × 18 × 10। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा फ़नी भी लगेगा, बट ये शॉर्टकट बहुत यूज़फुल होता है। मेरा एक टेक्निक है, मैं बच्चे लोगों को शॉर्टकट्स बताने के टाइम, फास्ट कैलकुलेशन करने के टाइम मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 0 है, यहाँ पर 2 0s है। तो मैं यहाँ पर जो शॉर्टकट बताने वाला, आपको ये 2 0s को हाइड करने, ठीक है। देन अभी आप स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बाकी के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसका तो हमें टेबल्स भी आते हैं। तो 18 × 2 होता है हमारा 36, और 36 × 1 = 36। तो पहले हम यहाँ पर 36 लिख देंगे, फिर बाद में यहाँ पर ये 0 और 0 टर्म्स जो बचा हुआ टर्म है वो उसे हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। तो मैं जब भी कभार एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा बच्चे लोग को फनी टाइप में और याद करने के लिए मैं वहाँ पर ट्रिक करता हूँ कि इसे हाइड कर दो, फिर बाद में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो नंबर है वो लिखो, फिर उसके बाद क्या बोला हमने, खुल जा सिम सिम बोल के, वो 2 0 का एज इट इज़ यहाँ पर पुटअप करना है। तो ये टेक्निक्स, थोड़ा फनी टाइप के टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो आप टीचिंग के टाइम में। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉर्ड मिल गया 3600 सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहाँ क्यूब क्यों आए, क्योंकि लेंथ का एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर, ब्रेथ का एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर, हाइट का एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर, तो तीनों का वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसलिए क्या आया, हमें सेंटीमीटर क्यूब आया हुआ है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स अभी हम लोग आगे के सम्स पे जाते हैं, थर्ड सम्स जो कि है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ कैपेसिटी। स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें बता दिया कि कैपेसिटी को कितना है उसमें, कैपेसिटी की क्षमता बोलते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं क्षमता, कितना क्षमता है उसे होल्ड करने के लिए। तो 34.5 मीटर क्यूब है। तो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है कंटेनर का कितना है, जो कि है 5 मीटर और 2.3 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड आउट करना हाइट कंटेनर का। तो गिवन क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, यहाँ वॉल्यूम हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन है क्योंकि कैपेसिटी बोला है, तो वॉल्यूम हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन है 34.5 मीटर क्यूब, लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर, और ब्रेथ हमें गिवन है कितना है 2.3 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द कंटेनर h हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबर्ड, जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली समय भी देखा था, फॉर्मूला क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबर्ड का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबर्ड हमें गिवन है 34.5, लेंथ हमें कितना मिला हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर, देन हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 34.5, अभी यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इजिकल टू के उस साइड चले जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हम इजीली एच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एच इजिकल टू 34.5/5 × 2.3। अभी ये सॉल्व करने के टाइम पॉइंट मल्टीप्लीकेशन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जो पॉइंट वाले टर्म्स है उसे एज इट इज़ पहले लिख दी लीजिए, नीचे के जो पॉइंट वाले सम्स है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमें 11.5 मिलेगा। अभी मैं इसे प्रॉपर कन्वर्जन डिवीजन में हेल्प करने के लिए मैं इसे कन्वर्ट करो, अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो इसका 1 पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट वो शिफ्ट हो जाता है। तो कितना मिलता है हमें आंसर, 1 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो 34.5 का हो जाएगा हमारा 345, और 11.5 का हो जाएगा हमारा 115। अभी आप इजीली कैंसिलेशन कर सकते हो, 115 और 345 को आपको एक कॉमन टेबल्स ढूंढना है जिसके थ्रू कैंसिलेशन हो जाएगा। तो 115 5 के टेबल में भी जाता है, 345 भी 5 के टेबल में जाता है। तो इस प्रकार से जब हम कैंसिलेशन करेंगे, तो कैंसिलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यूज़ मिलेगा, एच का वैल्यू 3, तो ये हमारा हाइट ऑफ द कंटेनर क्या है, 3 मीटर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है मीटर नॉट सेंटीमीटर। तो हमें जो यूनिट दिया रहता है वही यूनिट हमें पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पर पुटअप करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देन यहाँ वॉल्यूम हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन था मीटर क्यूब। तो कैसे लगा आप लोगों को फ्रेंड्स मेरा यह वीडियो, 2 मार्क्स के लिए अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं, सो दैट कि बच्चे लोग पास हो सके। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा टीचिंग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साइड में एक बेल आइकन भी मिलेगा आपको, आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, इसके बाद और 2 सम्स हो गए हमारे मेंसुरेशन के, जो इंपॉर्टेंस 3 to 4 मार्क्स के सम्स हो गए। तो मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।